नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी। खबरों की चर्चा करने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। अयोध्या विवाद में मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। अयोध्या विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। रिपोर्ट देखकर आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी कोर्ट। तो वही मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या विवाद में मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। अयोध्या विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो दादी की रिपोर्ट को देखकर आगे की कार्रवाई पर कोर्ट फैसला लेगी। तो वहीं मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में होगी। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पवन, आज अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ और अपडेट है? जी ऐसी आपको बता दें कि अयोध्या मामले पे इससे पहले इसको सुलझाना चाह रहे थे सारे लोग कि मध्यस्थता से इसको सुलझा दिया जाए, चूंकि ये मध्यस्थता के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पहल की थी और इन लोगों ने ये कहा था कि इसको बात से सुलझाया जाए ये मैटर, क्योंकि ऐसा मैटर है जिसे पब्लिक से जुड़ा हुआ मैटर है जी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो गठित मध्यस्थता पैनल थी उससे सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट में क्या है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा, क्योंकि कोर्ट के मामले में आज शुक्रवार को विचार करेगा कि इसमें क्या किया जाएगा और इस पे आज इसकी सुनवाई है। और मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ कर पीठ जो है इसकी जो है समीक्षा करेगी। पीठ के अन्य न्यायाधीश जस्टिस यस बोबड़े, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण व यस अब्दुल नजीर हैं इसके। जी आईसी जी भवन, फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद को लेकर सुनवाई होने जा रही है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि गुरुवार को मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। तो चलिए अब आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं अयोध्या से, जहां संत अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खत्म होगा मामले की सुनवाई अब प्रतिदिन होगी। जी हाँ, यदि प्रतिदिन सुनवाई होती है तो इतना दिनों से लंबित जो यह लगाए थे आशा और वह निश्चित है, अब यह प्रतीक्षा जो होती चली आई है वह समस्या समाधान हो जाएगी और लोगों को एक प्रकार से सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए यह निश्चित है कि जो हमारी प्रतीक्षाएँ इतने दिनों से रही और जिस आशा पर हैं वह सुप्रीम कोर्ट उसका निश्चित है समाधान करेगा। क्या होना है आगे? देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही होना है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सभी को सर्वमान्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है जिसमें 3 सदस्य हैं। हम लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया है, इसलिए कि ये क्या करेंगे, ये कोई न्यायिक प्रक्रिया जानते भी नहीं है। मध्यस्थता बहुत हो चुकी है, मध्यस्थता अगर पैनल कोर्ट बनाना ही था तो अयोध्या के लोग जो थे उनको रखते, मुस्लिम धर्म गुरु रखते, एक टेबल पे बैठते, बैठ के निर्णय होता। एक बात तो ये, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरह से 3 तलाक माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, गृहमंत्री जी, किंतु जब लगता है कि कहीं सर्वोच्च न्यायालय भी तारीख न दे दे तो फिर एक बार गम में डूब जाना पड़ता है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से अब हम सब लोग ये आशा रखे हैं कि अब हम लोग तारीख, इतनी तारीख पा चुके हैं
इतनी तारीख पा चुके हैं कि कितने लोगों की तारीख जो है लेते 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 वो स्वर्गवासी हो गए। अब हम लोग तारीख से उग चुके हैं, तारीख से अजीरन हो गया है हम लोगों को। अब हम लोग डिले नहीं चाहते हैं। अब जो है हम लोगों का जो बहुसंख्यक समाज का धैर्य था वो टूट चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है। और एक बात बता दें कि जो बाबरी पक्षकार हैं वो भी जो है अब चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर जल्दी फैसला दे। यही कारण है कि बाबरी पक्षकार ने अपने घर पर जो है हनुमान चालीसा का आयोजन रखा और उसमें धर्माचार्यों के प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि के रूप में तपस्वी छावनी का एक अध्यक्ष महंत के हैसियत से मुझे बुलाया और हम दोनों ने बैठ करके पारायण किया इस खुशी में कि अब जल्दी फैसला हो जाए, सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष होकर के साक्ष्यों के आधार पर फैसला दे। लेकिन दुख इस बात का है कि जब तारीख जब व्यक्ति लगता है कि अब कुछ आज से डे टू डे हेयरिंग होगी और जब तारीख मिल जाती है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर वज्र गिर गया हो, लगता है जैसे प्राण निकल गए हो। लेकिन 100 करोड़ हिंदू धन्य है कि छाती पर पत्थर बांध करके भी संविधान की मर्यादा को देख करके टुकुर टुकुर निहार रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की ओर उन चीफ जस्टिसों की ओर देख रहा है कि आखिर कभी न कभी न्याय तो मिलेगा। भले हमारे यहाँ के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कह दिया कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है, लेकिन फिर भी ये बहुसंख्यक समाज इस अन्याय को भी न्याय मान करके और न्यायपालिका की ओर आशा लगा करके खड़ा हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत में संविधान की मर्यादा का उल्लंघन न हो, क्योंकि हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड उन लोगों का है जो अराजक हैं, जो लोग समाज में एक तो बता दें आपको आज अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जिसको लेकर जो तमाम साधु संत हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर देते हुए नजर आए। तो फिलहाल इसी बीच एक नजर डालते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर पर। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की कुशीनगर से, जहां आरोपी एसओ सुनील कुमार राय पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 217 और आबकारी एक्ट 60/63 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं एसपी सुनील कुमार राय को किया गया निलंबित। सुनील राय की गाड़ी से बरामद हुई थी हरियाणा निर्मित शराब। साथ ही डीजीपी ऑफिस ने लिया था संज्ञान, जहां एएसपी की जांच में ये पूरी कार्रवाई की गई है। आरोपी एसओ सुनील कुमार राय पर मुकदमा दर्ज किया गया है आईपीसी की धारा 217 और आईपीसी एक्ट 60 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सुनील राय की गाड़ी से बरामद हुई थी हरियाणा निर्मित शराब, जिसके बाद डीजीपी ऑफिस ने यह मामला संज्ञान में लिया था और एएसपी की जांच पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आसिफ खान हमारे साथ जुड़े हैं। जी आसिफ, सुनील राय पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ और अपडेट है खबर को लेकर? इसी के काफी दिनों पहले एक मामला आया था कपिया थाने का शराब बरामदगी का, जिसमें दूसरे दिन शराब बरामद हुई और दूसरे दिन एसओ की गाड़ी में निजी जिससे वो चलते थे उसमें शराब बरामद हुई और तमको ही एसओ के साथ उसे पुष्टि मिली कि हाँ शराब इनके गाड़ी में है और फोटो वायरल हो गई जी। उसके बाद से ये मामला जांच में गया और आनंद फानंद में आईजी गोरखपुर जोन आए और मामले को एसएसपी के संज्ञान में देते हुए उन्हें जांच का आदेश दे दिया था। इस मामले की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को हुई तो उन्होंने तत्काल लाइन हाजिर करते हुए जांच के प्रूफ पर कहा कि आगे कार्रवाई होगी। तो एक जांच एसएसपी द्वारा जांच की गई तो उसमें आरोपी पाने पर मुकदमा दर्ज हो गया है और एसपी ने तत्काल उन्हें निलंबित कर दिया। जी आसिफ, कहीं ना कहीं प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पुलिस खुद ही इन मामलों में लिप्त नजर आ रही है, तो क्यों जो प्रशासन है ऐसे मामलों पर क्यों कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है? देखें आईजी, जहां तक सूत्रों के हवाले से बात है कि लगातार कुशीनगर बिहार के सटे होने के जनपद के कारण अवैध शराब लगातार कारोबार चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े सूत्रों के हवाले से बड़े बड़े लोग इसमें सम्मिलित हैं।
इसी कारण जो लगातार शराब तस्करी का काम चल रहा है और उसमें अपने निजी फायदे के लिए लोग करीब और उनके जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मामला जब संज्ञान बड़े अधिकारियों को आता है तो तत्काल कार्रवाई करते हुए या तो निलंबित करते हैं या उन्हें लाइन हाजिर करके मामला शांत कर देते हैं। जी जी आसिफ, फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर पर जो कि आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीबीआई के रडार पर विधायक सेंगर के 6 कारोबारियों के फोन नंबर। सीतापुर जेल के सीसीटीवी कैमरे की अब होगी जांच, जहां सीबीआई खंगालेगी कॉल डिटेल्स और लोकेशन। तो वही पुलिस की मदद से शहर के कई टेलीफोन टावरों का सीबीआई ने बीटीएस खंगाला है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां को बता दी कि सीबीआई खंगालेगी कॉल डिटेल्स और लोकेशन। पुलिस की मदद से शहर के कई टेलीफोन टावरों का सीबीआई बीटीएस खंगाला, जहां सीबीआई के रडार पर विधायक सिंगर के 6 कारोबारियों के फोन नंबर। सीतापुर जेल के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच होगी, साथ ही सीबीआई खंगालेगी कॉल डिटेल्स और लोकेशन। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। तो गोदारी कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आईआईटी कानपुर में अर्थ साइंस विभाग की निर्माणाधीन इमारत गिरी, तो वही दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि घायलों को हैलेट अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। अभी तक एक तरफ की करीब 15 फीट ऊंची दीवार बनी थी, जहां शाम करीब 4 बजे ये दीवार ढह गई। आईआईटी कानपुर में अर्थ साइंस की दीवार ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जहां फिलहाल घायलों को हेलेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम 4 बजे ये इमारत गिरी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत की सूचना अभी तक मिल पाई है, जहां अन्य घायलों को फिलहाल हेलेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की यह बड़ी खबर कानपुर से। आईटी कानपुर में अर्थ साइंस विभाग की निर्माणाधीन इमारत गिरी, दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अभी तक एक तरफ की करीब 15 फीट ऊंची दीवार ही बनी थी, जहां करीब शाम 4 बजे ये दीवार ढह गई। तो अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर का, जो कि आ रही है रामपुर से। माफ कीजिएगा, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में कल पेश होंगे ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। जेलर ने एसपी रायबरेली से आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए मांगा। तो वही ट्रक चालक आशीष पाल और क्लीनर मोहन पर हत्या का आरोप। उन्नाव रेप पीड़िता कार एक्सीडेंट मामले में कल पेशी होगी। लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में कल पेश होंगे ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, जहां जेलर ने एसपी रायबरेली से आरोपियों को पेश करने की मांग की है। ट्रक चालक और आशीष पाल और क्लीनर होंगे कोर्ट में पेश।
तो इस वक्त की अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन, रेप पीड़िता और उसके परिवार के लिए सुरक्षा के लिए पहुंची सीआरपीएफ। क्षेत्राधिकार चौक एवं प्रभारी निरीक्षक चौक ने सीआरपीएफ को दिया चार्ज। तो वहीं ट्रॉमा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी सीआरपीएफ की सुरक्षा रहेगी। सीआरपीएफ ने आते ही दूसरी और कोतारी की रेप पीड़िता और उसके परिजनों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जहां सीआरपीएफ को सुरक्षा का चार्ज दिया गया है। ट्रॉमा के दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहेगी सीआरपीएफ की सुरक्षा। तो वहीं सीआरपीएफ ने पहुंचते ही दूसरी और तीसरी मंजिल का मुआयना किया है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जी पवन, उन्नाव रेप मामले में अब कहीं ना कहीं एक्शन में दिख रहा है प्रशासन। अब सीआरपीएफ को, जो रेप पीड़िता है, उसके परिजनों और उसके लिए सीआरपीएफ को सुरक्षा का चार्ज दिया गया है। जी जी, ऐसे आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि ये मामला इतना बढ़ता जा रहा है, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसके साथ जुड़ चुकी हैं, जिसपे अब इस मामले को कहीं से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और इस बात को उसने पूरी तरह से ध्यान में रखा है कि इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द करके और डे टू डे सुनवाई करके इसको तुरंत तुरंत क्लियर किया जाए। और इसमें कल ड्राइवर और उसकी क्लीनर की कल पेशी है यहाँ पे सीबीआई कोर्ट में। और इसमें सुरक्षा इसलिए बढ़ाई जा रही है कि कहीं किसी व्यक्ति की या किसी गवाही की या किसी उस मामले से जुड़े हुए किसी चीज की या किसी व्यक्ति को कोई और नुकसान अब न पहुंच पाए, क्योंकि अभी तक जितना नुकसान हो चुका है उसके लिए खुद ही अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, ना सरकार ना कोई कोर्ट आईसी। जी पवन, कहीं ना कहीं अब जब प्रशासन इस मामले में कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ये लापरवाही भी थी कि जिस तरह की सतर्कता अब इस मामले में दिखाई गई है, कहीं ना कहीं अगर वो पहले दिखाई जाती तो जो ये एक्सीडेंट और ये पहले की जो घटनाएं हुई है कहीं ना कहीं वो सामने नहीं आती, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसी आप एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि अगर किसी भी घटना के पहले अगर आपको कोई उसके आसार कोई सिम्टम दिख रहे हैं तो अगर आप पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे या उसकी सुरक्षा और उसकी ध्यान दे देंगे तो संभवतः ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। कोई बड़ी घटना होने के पहले ही अगर आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, अपने आप को मुस्तैद कर लेंगे, अगर प्रशासन इससे पहले जाग जाता और चीजों को देख लेता तो शायद ये घटना बच जाती। क्योंकि ये घटना जो हुई है कहीं ना कहीं से इसके पीछे इसकी मंशा यही थी कि जो है इसको दबा दिया जाए और इस घटना को नेचुरल घटना बना के एक्सीडेंट बना के खत्म कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको उसने अभी मुहैया करा दी और इससे अब आगे कोई और घटना न हो इसके लिए मुस्तैद हो गए हैं पूरी तरह से। जी पवन, जी पूरे मामले में अगर बात करें पीड़िता के परिजनों की, तो क्या अब वो जो अब ये कार्रवाई जिस तरह से लगातार इस मामले में हो रही, तो क्या कुछ उनका कहना है कि क्या वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है? जी ऐसी देखिए, अभी तक संतुष्टि का कोई बात नहीं आ पा रही सामने। बस इतनी सी बात आप समझें कि आज ट्रामा सेंटर में सीआरपीएफ लगी है उनके सुरक्षा के लिए। इससे पहले तक अभी वो पूरी तरह से असुरक्षित थे, घबराए हुए थे और उनको कहीं से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी कि इनको कहीं दिक्कत इनका नॉर्मल हो जाए इनकी स्थिति। अभी जो है सरकार ने कल इनके पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए दिया है सहायता राशि के रूप में कि जो थोड़ा सा इनको संतावना मिल सके और उनको अपने उस दुख से थोड़ा उबरने का एक मौका मिले। और दूसरी बात बता दें कि अभी वो संतुष्टि जो इस कार्रवाई से संतुष्टि तब मिलेगी जब कोई डिसीजन आएगा या कोई इससे सजा आएगी या कुछ बात होगा। अभी तक वो खुद दुख से झेल रहे हैं और लोग ट्रामा सेंटर में हैं और ट्रामा सेंटर की अब सुरक्षा सीआरपीएफ आज से संभाल रखी है। तो अब इसके बाद कोई घटना नहीं हो तो इससे उनको थोड़ा सुकून मिलेगा और जब इसमें कोई रिजल्ट आएगा या कोई जजमेंट आएगा फिर उस पर उनको कुछ सुकून मिलने की संभावना बन सकती है। ऐसी जी पवन, आप इस खबर पर तमाम नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां रामपुर में मुरादाबाद से बरेली की तरफ जा रही एक मालगाड़ी के बेपटरी होकर उतर गई, जहां बता दी कि हादसे का कारण रेल पटरी का टूटा हुआ बताया गया है। इस दौरान रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेल यातायात को दुरुस्त करने के प्रयास किए गए। आपको बता दी कि रामपुर में रेलवे ट्रैक टूटे होने की कई घटनाएं घट चुकी है, फिर भी रेलवे प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। तो वही रेलवे टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेल आवागमन को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है।
तो वहीं अगली खबर बरेली से है, जहां बारदरी थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर दलित नाबालिग किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है और रोजाना ऑटो से आया जाया करती है। इस दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने अपना नाम अमन बताया। अमन ने किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। अमन हाथ में कलावा और कड़ा पहनता था और एक बार किशोरी के साथ मंदिर पे गया। इस दौरान उसने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया और उसकी अश्लील क्लिपिंग भी बनाई। मैं पार्लर जाती थी तभी एक मेरी फ्रेंड बोली थी सुबह से नहीं दोपहर से आ जाइयो। मैं दोपहर से जा रही थी तभी एक लड़का मिला ऑटो। मैंने उससे बोला भैया मुझे वहाँ छोड़ देना सन सिटी। तो उसने बोला आज इधर का रास्ता बंद है घुमा के लेके आ रहा हूँ। तो घुमा के उधर हाईवे तरफ ले गया। वहाँ उसने मेरी छेड़छाड़ की वीडियो बनाई थी वहीं पर और उसी तरह ब्लैकमेल करता रहा। तो वहीं अगली खबर वृंदावन से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी बदमाश उमेश पाठक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बता दें कि इनामी बदमाश निम्बार्क पीठ के महंत बाल मुकुंद की हत्या का आरोपी है। मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस अधिकारियों को बुलाकर इस मामले को तत्काल वर्कआउट करने के आदेश दिए। आरोपी ने बताया कि संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से उसने बाबा की हत्या की। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी उमेश पाठक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये एसआर केसेस के जो हमारे वांछित है, इसका एक अभियान चल रहा था जो हत्या डकैती गैंगस्टर के अपराधी, इसी अभियान के तहत आज जो है एक उमेश पाठक करके एक इनामी है जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है और विगत महीने एक हत्या की गई थी जिसके अंदर एक महंत थे उनकी हत्या की गई थी। तीन लोग उसके अंदर गिरफ्तार हुए थे और पेट्रोल उनके ऊपर डाला गया था और माठ थाना क्षेत्र में इसमें FIR पंजीकृत हुई थी। तीन अभियुक्त इसके अंदर जेल में गए थे। आज इस अभियान के दौरान जब सूचना मिली पुलिस यहाँ पर गई है तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।